12 डिवाइडेड बाय 2 सिक्स्थ वैल्यू ऑफ द अरे डेटा तो आपने अरेंज डेटा की छठी वैल्यू तो ये यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये देखें सिक्स्थ वैल्यू ऑफ द अरे डेटा यहाँ पर आपका मीडियम फॉल कर रहा है तो टू ट्वेंटी इज योर मीडियम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो मीडियम का फार्मूला आप यूज करते हैं तो वहां पर आपके पास सिक्स वैल्यू या कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है यहां पर आप देखें सिक्स पॉइंट फिफ्थ वैल्यू तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है इस तरह से तो उसको कैसे करेंगे उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है ये देखें अगर सिक्स पॉइंट फिफ्थ वैल्यू आ रही है तो आप इस इंटीजर पार्ट को ले लें सिक्स वैल्यू प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट लिया सिक्स पॉइंट फिफ्थ ये पॉइंट फाइव और इसके बाद ब्रैकेट में ये जो वैल्यू होती है है तो नेक्स्ट वैल्यू सेवंथ ले लें माइनस वही वैल्यू सिक्स वैल्यू ले लेंगे यहां पर कोई भी वैल्यू है कि फॉर एग्जाम्पल अलेवन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू आती है तो यहाँ लिखेंगे अलेवंथ वैल्यू प्लस पॉइंट फाइव टाइम्स ट्वेल्थ माइनस अलेवंथ वैल्यू तो इस तरह से आपने इस डेटा की वो वैल्यूज यहाँ इंटर करनी है तो इस तरह से आपका मीडियम निकल आया तो यहाँ पर आप देखें वैल्यू ऑफ द डेटा देखेंटी सेवन है प्लस ये 0.5 ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू सेवंथ वैल्यू आपके पास 230 है तो 230 थर्टी किया माइनस टू ट्वेंटी वैल्यू टू है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टू ये आपका मीडियन आ जाता है तो इस तरह से अन ग्रुप डेटा होता है उसमें आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आड हो या इवन हो आप इस तरह से आप दोनों के लिए मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहां पर देखें कि ये जो मीडियन है वो 227 और 230 के इन बिटवीन आ आ रहा है, आ रहा है है 228.5 पे तो अब हम ग्रुप डेटा लेते हैं ग्रुप डेटा डेटा में आपके पास ये दिया गया है ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज गिवन हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सम इज इक्वल टू ट्वेंटी है सबसे पहले आप यहाँ पर फार्मूला को मेंशन करें यहाँ पे तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है आपने यहाँ पर ये देखना है कि आप डेटा में से क्लास बाउंड्रीज लेनी है और उसके बाद आपने कमुलेटिव वो फाइंड आउट करनी है तो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी आपने यहाँ पर सिर्फ कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है उसके बाद यहाँ सबसे पहले एन को तो देखें कि एन की वैल्यू क्या है तो एन की वैल्यू जो है ना ये ट्वेंटी है तो आप जब एन पर आप टू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेन आता है आप उसने उसको कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने ट्रेस करना है तो ये देखें टेन इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन थ्री टेन इज ग्रेटर देन तो so जो है ये इस ग्रुप में आ रहा है यहां पर. तो सिक्स वैल्यू यहां तक आ रही हैं. छह वेल्यू से पहले है सेवन एट्थ नाइन्थेंथ और अलेवन तक इस ग्रुप में फॉल कर रही हैं. तो जब आप ये ट्रेस कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि दिस इज ये आपकी मीडियन क्लास जो है ना ये ट्रेस हो जाएगी उसके बाद आपने एल फाइंड आउट करना है इसमें से ये ये एल क्या है ये वाला एल तो आप इसको देखेंगे कि से देखें आपने L find out किया तो वो आपके पास कौन सी ट्वेंटी पॉइंट फाइव ये, ये वैल्यू आ गई है ये आपके पास एल भी फाइंड आउट हो गया आपके पास ये एन बाई टू भी फाइंड आउट हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास एच है कि इंटरवल क्या होगा तो आपके पास इंटरवल जो है वो 25.5 फाइव माइनस ट्वेंटी कौन सी वैल्यू है ये वाली 25.5 फाइव माइनस ट्वेंटी ये आप देख लें ये एरो के साथ आपको मेंशन करके दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से आपने इंटरवल निकालना है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालनी है इंटरवल आपके पास आ गया इसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपने इस फ्रीक्वेंसी में देखना है कि मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है तो ये फाइव इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है ठीक है तो ये देखें ये फाइव इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है ना आपके पास आखिरी रह जाती है सी, तो, तो आपने ये सारी इस के कर ली इसमें और इसको सॉल्व कर लें तो आपको ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ही आपको मीडियन मिल जाएगा इस तरह से आप ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम क्वांटाइल डिस्कस करते हैं

therefore we divide by 4 to so, i n 1 over 4 अब व्हाट इज i i की वैल्यू 1 हो सकती है यहाँ पर 1 डालें q1 हो जाएगा यहाँ 2 डालें इस जगह इस जगह पे तो q2 हो जाएगा यहाँ पर 3 डालेंगे तो q3 आ जाएगा यहाँ पर 3 n 1 over 4th वैल्यू ऑफ द अरे डेटा तो इस तरह से आपको q1 q2 और q3 हो जाएंगे इसी तरह से हम ग्रुप डेटा में भी देखें ये जस्ट लाइक मीडियन वाला फार्मूला है और यहाँ पर आप देखें कि Q I L प्लस एच ओवर एफ यहाँ पर n बाई टू था मीडियन में हम यहां पर I n ओवर फोर माइनस सी तो यहां पर भी I की वैल्यू वन टू थ्री वन डालेंगे यहाँ वन आएगा टू डालेंगे यहां पर टू आ जाएगा थ्री डालेंगे तो यहां पर थ्री आ जाएगा इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं अनग्रुप ग्रुप डेटा की तो यहाँ पर ये यह देख लें डेटा है अलेवन वैल्यूज हैं तो आप इन अलेवन वैल्यूज का क्वार्टाइल वन निकालेंगे तो देखें इस में क्यू वन यहां वन आ जाएगा यहां पर ये वन थ्री, तो इसके बाद आपने क्यू थ्री को देखना है और क्यू थ्री में आपने जब फार्मूला पोट किया यहां थ्री किया यहां थ्री किया तो थ्री इन टू एन प्लस फोर्थ वैल्यू तो नाइन्थ वैल्यू ऑफ अरे डेटा आ गई तो आप यहाँ पर देखें वैल्यू ऑफ डेटा पर आ रहा है 242. तो यहां से आप काउंट कर लें लेवन एट नाइन्थ तो ये नाइन्थ वैल्यू आपने ट्रेस कर लिए तो इस तरह से आपने Q3 और Q1 फाइंड आउट कर लिया Q2 हम इसलिए फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं बेसिकली वो मीडियन के इक्वल होता है आप यहाँ पर अगर क्यू टू डालेंगे यहाँ टू डालेंगे यहाँ फोर है तो टू फोर के साथ कट जाता है तो एन ओवर टू हो जाएगा विच इज इक्वल टू मीडियन मीडियम टू मीडियन तो मीडियन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसलिए उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है फाइंड आउट करने की समटाइम्स क्वार्टाइल में आपके पास जब आप डिवाइड करते हैं फार्मूला में तो उसमें आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है जिस तरह से यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखें एन इज इक्ल टू ट्वेल्व तो यहाँ पर आप जब इसको अरेंज करके आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 3.25th वैल्यू ऑफ द अरे डेटा आ गया तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो इसको जस्ट लाइक like आपने मीडियन में किया है ये देखें थर्ड वैल्यू प्लस 0.25 फोर्थ माइनस थर्ड वैल्यू तो ये आप फोर्थ में से थर्ड को सबट्रैक्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें थर्ड में ऐड कर देंगे तो इस तरह से आपके पास Q1 आ जाएगा 213.75 213.75 अगर हम Q3 थ्री फाइंड आउट करेंगे तो आप इसमें देखें कि ये नाइन पॉइंट सेवन फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डेटा आ जाएगा इस तरह से आपने नाइन्थ वैल्यू प्लस पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स टेंथ माइनस नाइन्थ वैल्यू करना है तो इसको पहले सॉल्व करना है इसको सब्टेक्ट करें फिर इसको पॉइंट सेवन फाइव से मल्टीप्लाई करें देन आपने इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो देखें यहाँ पर ये यह चीज़ आ जाएगी नाइन्थ वैल्यू आपकी यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन्थ तो ये वैल्यू 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 आ गई प्लस और माइनस करेंगे इस तरह से आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा तो क्वार्टाइल्स आपने फाइंड आउट करना सीख लिया है अनग्रुप डेटा के लिए अब हम ग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप फार्मूला उतार देंगे उसके बाद आपने इस डेटा को उतारना है डेटा में आपने कॉमुलेटर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले आपने एन को फाइंड आउट करना है एन जो 20 है ना वो ट्वेंटी है ट्वेंटी फाइंड आउट करने के बाद आपने फार्मूला में से इस ऐसे को सॉल्व करना है वन एन ओवर फोर करेंगे ये आपके पास आ जाएगा फाइव उसको देखें कमोलेटो फ्रीक्वेंसी में वन में नहीं आ रहा थ्री में नहीं आ रहा सिक्स में आ रहा है तो इसके सामने वाली जो क्लास होगी ये आपकी फर्स्ट कोटाइल क्लास हो जाएगी उसके बाद आपने एल फाइंड आउट करना है एल फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास फिफ्टीन पॉइंट फाइव आ गया है उसके बाद आपने सेकंड एच इंटरवल फाइंड आउट करना है इस वैल्यू में से इसको निकालेंगे तो आपके पास फाइव आएगा उसके बाद नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो फ्रीक्वेंसी एफ ये वाली फ्रिक्वेंसी तो आपने इस एफ में देखना है वो आपके पास थ्री आ गई नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसमें आपने कमुलेट फ्रीक्वेंसी देखनी है और वो आपके पास क्या है थ्री आ गई है तो ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर है इससे रिलेटेड आप जस्ट आपने फार्मूला तो लिखा उसके बाद आपने क्लासेस फ्रीक्वेंसी कमुलेटर फ्रीक्वेंसी इसको करने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने एन फाइंड आउट करना है एन आपके पास ट्वेंटी है इसके बाद आपने थ्री एन बाई फोर एस एस को सॉल्व करना है थ्री एन बाई फोर और वो आ गया है फिफ्टीन उसको ट्रेस करेंगे वो यहाँ पर एक्जैक्टली exactly फिफ्टीन गया है इसके बाद आपने एल फाइंड आउट करना है एल फाइंड आउट करेंगे तो एल जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा ये वैल्यू आ गई ट्वेंटी आपने इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है इसके दरम्यान इंटरवल कितना है वो फाइव का इंटरवल है नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी एफ टूंढनी है और वो फोर है क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी फोर है उसके बाद सी का फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है और वो आपके पास क्या आ रही है 11 नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन द फार्मूला आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 25.5 तो इस तरह से आपने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं नाउ वी कम टू द डेसाइल डेसाइल में भी इसी तरह से आपके पास अनग्रुप ग्रुप डेटा आ रहा है तो ज्यादातर इसमें ग्रुप डेटा करते हैं क्योंकि डेसाइल्स अनग्रुपड डेटा के लिए कम यूज होता है आ, उसकी वजह यह है कि डिसाइल्स चूँकि बड़ी पार्टीशनिंग है तो आम तौर पर जब डेटा ज़्यादा होता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिसाइल फाइंड आउट करने का तरीका बताता हूँ तो यहाँ पर सपोज फाइंड डी सेवन फ्राम द फॉलोइंग डेटा तो आपने डी सेवन का फार्मूला उतार लें डी सेवन का फार्मूला उतारने के बाद आपने ये डेटा लिखा इसमें आपने सबसे पहले एन फाइंड आउट किया एन फाइंड आउट करने के बाद आपने सेवन एन बाई टेन इसको सॉल्व करना है वो फोर्टीन आ रहा है इसको आपने ट्रेस आउट यहाँ पे करना है तो ये आपके पास आ रहा है 15 तो ये यह 14 यहाँ पर आया इसको ढूंढें ये 15 के अंदर आ रहा है इसके सामने की क्लास जो है ना आपकी सेवन डिसाइल क्लास है इसके बाद आपका एल ये हो जाएगा उसके बाद इंटरवल निकाल लें इसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी को देखना है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इस ग्रुप में फोर है और नेक्स्ट आपने कोमुलेटर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है तो वो अलेवन आ रही है अब इनमें आपके पास एल हो गया एच हो गया एफ हो गया एन बाई टेन सेवन एन बाई टेन हो गया और इसके बाद सी भी हो गया तो जस्ट सब्सिट्यूट करें इस फार्मूले में तो आंसर आपके पास आ गया सॉल्व करने से तो आप इसको सॉल्व करें आंसर आपके पास ट्वेंटी फोर पॉइंट टू फाइव आ गया तो इस तरह से आप इसको डिसाइल भी निकाल सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है परसेंटाइल विच डिवाइड्रेड इक्वल पार्ट्स तो इसमें आपके पास फार्मूला जस्ट सलाइटली चेंज होता है आई एन ओवर वन हंड्रेड माइनस सी तो इसके बाद आपने क्या करना है पी सेवन सपोज निकालना है तो आपके पास फार्मूला गिवन है पी ये फार्मूला बनता है उसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एन फाइंड आउट करना है एन को यहाँ पर देखें सेवन एन बाई वन हंड्रेड आपने इसको सॉल्व करना फोर्टीन इसको ट्रेस करें तो ये इसके अंदर आ रहा है फिफ्टीन के अंदर इसके सामने की जो क्लास है वो सेवेंटी एथ परसेंटाइल क्लास है इसमें से एल फाइंड आउट करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी उसके बाद आपने एच इंटरवल निकालना है इसके दरम्यान का इंटरवल कितना है वो फाइव का आ रहा है इसके बाद आपने फ्रीकवेंसी देखनी है तो फ्रीकुनसी आपके पास फोर आ गई है और उसके बाद कमुलेटव फ्रिक्वेंसी देखनी है वो आपके पास अलेवन आ गई अब आपने जितनी वैल्यूज़ यहाँ फाइंड आउट कर ली इसको इस फार्मूला में सब्सीच्यूट करें उसके बाद सॉल्व करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा ट्वेंटी